हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चटपट चटोर किचन। आज हम चटपट चटोर किचन में बनाने वाले हैं पिस्ता, चॉकलेट और ऑरेंज फ्लेवर का केक। इन केक को आज हम माइक्रोवेव में ग्लास में बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो हम सबसे पहले पिस्ता केक बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मिल्क, 2 चम्मच ऑयल, 1 कटोरी शुगर और मैंने लिया है 1 कप मैदा। तो सबसे पहले हम मैदा को एक बोल में डाल लेंगे। मैदा को बोल में डालने के बाद इसमें हम शुगर डालेंगे। मैदा और शुगर डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। मैदा और शुगर को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को डालने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क भी डाल लेंगे। मिल्क को हमें एक बार में पूरा नहीं डालना है, नहीं तो बैटर ज्यादा पतला हो जाएगा। इस तरह से हमें इसको अच्छे से मिला लेना है। केक के बैटर को अच्छे से घोलने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, हमारा बैटर इस तरह का होना चाहिए। फिर मैंने एक गिलास ले लिया है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इस बैटर में मैंने थोड़ा सा पिस्ता एसेंस डाल दिया था, जिसको मैं दिखाना भूल गई हूँ। अब इस बैटर को हम इस ग्लास में डाल लेंगे। इसको पूरा ऊपर तक फिल नहीं करना है, नहीं तो ये बेक करते टाइम ओवरफ्लो हो सकता है। देखिए, मैंने केक के बैटर को ग्लास में आधा भरा है। हम चॉकलेट वाला केक बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। मैंने इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर डाला है, 1/2 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है और फिर इसको अच्छे से मैंने मिला लिया है। सबको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। मैं ऑयल डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें मिल्क डालना है और इसको अच्छे से मिला लेना है। हम मिल्क को थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो ये बैटर पतला हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा और मिल्क डालेंगे। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी भी हमारा बैटर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा और मिल्क इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिला लिया है। भी हमारा बैटर बहुत गाढ़ा था, इसलिए मैंने थोड़ा और मिल्क इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा बैटर यहाँ पे मिक्स हो चुका है, बट ये थोड़ा थिक है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा और मिल्क ऐड किया है और इसको फिर से घोल लिया है। देखिए, हमें केक का बैटर इस तरह का रखना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी जब हो जाए तब ये बैटर रेडी है। एक ही डायरेक्शन में हमें इस बैटर को 5 से 6 मिनट तक के लिए घोल लेना है। फिर मैंने एक ग्लास लिया है और इसको भी मैंने ग्लास में डाल दिया है। इसको हम थोड़ा आधा भरेंगे। ग्लास आधा भरने के बाद इसमें हम एक चॉकलेट क्यूब डाल लेंगे। इसको हमें बीचों बीच इस तरह से रख लेना है और बचा हुआ बैटर फिर हम इसके ऊपर डाल लेंगे। ग्लास को हमें बैटर से ऊपर तक फुल नहीं करना है, नहीं तो ये बेक करते टाइम ओवरफ्लो हो जाएगा। हमारा चॉकलेट वाला ग्लास भी रेडी हो गया है। अब हम ऑरेंज फ्लेवर वाले केक की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है और इसी ऑयल में हम 1 कटोरी से थोड़ा कम मिल्क डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच लेमन जूस का डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। लो, यहाँ पे हमारा बटर मिल्क तैयार हो चुका है। अब इस बटर मिल्क में हम 1/2 कटोरी शुगर डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। शुगर को बटर मिल्क में मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा आटा डालेंगे। यहाँ पे हमने नॉर्मल गेहूं का आटा यूज किया है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। इस बैटर को एक ही डायरेक्शन में घोलने के बाद हमारा बैटर इस तरह का रेडी हो चुका है। जब हमारा बैटर इस तरह का रेडी हो जाए तब इसमें हम ऑरेंज फूड कलर डाल लेंगे और इसको इस तरह से घोल लेंगे। इसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर के साथ थोड़ा सा ऑरेंज एसेंस डाल लिया था। देखिए, हमारा बैटर कितना सुंदर हो गया है, ये एकदम ऑरेंज कलर का बन गया है। इस बैटर को हम एक ही डायरेक्शन में 5 मिनट तक घोल लेंगे। अब इस बैटर को भी हम ऑयल से ग्रीस किए हुए ग्लास में डाल लेंगे। इसको भी हमें आधा फिल करना है, नहीं तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। लो, यहाँ पे हमारा ऑरेंज केक का बैटर तैयार हो गया है। ये हमारा ऑरेंज केक का बैटर है, ये चॉकलेट केक का बैटर हो गया और ये पिस्ता केक का बैटर है। अब हम इन तीनों को माइक्रोवेव में बेक कर लेंगे। माइक्रोवेव को 180 डिग्री पे प्री हीट करने के बाद 20 से 30 मिनट तक के लिए हमने केक को बेक कर लिया है।
30 मिनट्स के बाद हम इन केक को निकाल लेंगे। देखिए केक बेक होने के बाद ग्लास एकदम भर गए हैं और ये एकदम अच्छी तरह से पक गए हैं। अब पिस्ता वाले केक को हम चोको चिप से इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। हमने चोको चिप्स को इस तरह से लगा लिया है। इस तरह से हमें एक एक करके चोको चिप्स को लगा लेना है। ऑरेंज वाले केक में भी हम इसी तरह से चोको चिप्स लगा लेंगे। चोको चिप्स लगाने के बाद ये इस तरह का दिखेगा। चॉकलेट वाले केक को हम पिस्ता से गार्निशिंग करेंगे। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।